हेलो एवरीवन, माय सेल्फ आशीष कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ाई लिखाई जो हम लोग बेसिकली कर रहे हैं उसका रियल लाइफ एप्लीकेशन से मतलब रिलेटेड कुछ कुछ बेसिक चीज़ के बारे में जानेंगे। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी दोस्तों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जानेंगे कि जैसे कि हम लोग बहुत पहले से ही मतलब इन्वर्टर का यूज करते आ रहे हैं, तो जो लोग बहुत पुराने मतलब 7-8 साल पहले से यूज करते आ रहे होंगे तो उन लोग ये चीज़ को, ये फिनोमिनन को मतलब ज़रूर मतलब अपने रियल लाइफ में अंदाज किया होगा कि मतलब जैसे उन लोग पंखा घर में चलाता है तो लाइट अगर कट जाता है, इन्वर्टर में अगर लोड रहता है तो जो फैन चलता है उसमें से हमिंग साउंड आता है। इसमें यही है हम लोग का ये आज के इस वीडियो का मोटिव कि हमिंग साउंड क्यों पंखा से आता था और उसको अभी जो लेटेस्ट इन्वर्टर वगैरह आ रहा है उसमें उसको कैसे ठीक किया गया, और हम लोग इसमें जानेंगे एसी और डीसी करंट क्या होता है, इसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है, क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग इन्वर्टर का वर्किंग के बारे में इसमें समझेंगे इस वीडियो में, और हम लोग समझेंगे टाइप्स ऑफ इन्वर्टर, इन्वर्टर का अलग अलग टाइप जैसे कि हम लोग जानते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर, साइन वेव और प्योर साइन वेव इन्वर्टर, तीन टाइप का होता है। उसके बाद हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे, ट्रांसफार्मर किस टाइप से किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, और इसमें हम लोग हाई वोल्टेज लो करंट का कॉन्सेप्ट को जानेंगे और लो वोल्टेज हाई करंट इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। और हम लोग जो जैसे कि इन्वर्टर का बैटरी में आप ध्यान दीजिएगा जो वायर यूज होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटा वायर यूज होता है, तो उसमें उसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में इस मतलब अभी के वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले है हम लोग का कॉन्सेप्ट ऑफ एसी एंड डीसी करंट। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एसी करंट होता क्या है। एसी का मतलब होता है एसी फॉर अल्टरनेटिंग करंट। अल्टर का मतलब क्या हो रहा है, अल्टर मतलब जैसे अल्टर मतलब होता है, हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं कि ये लड़का एकदम अल्टर ग्रेड का है, मतलब ये अपना डायरेक्शन को चेंज करते रहता है। जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं हम लोग कोई एक बल्ब जला रहे हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कुछ एक बल्ब है, ये हम लोग बल्ब से हम लोग एक एलईडी बल्ब को कनेक्ट किए हुए हैं, मानते हैं ये मान लेते हैं हम लोग का बैटरी है, बैटरी को इस टाइप से दिखाते हैं प्लस माइनस, तो ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये बल्ब को जलाने के लिए हम लोग जो यूज कर रहे हैं, तो एक बार हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये फिलामेंट बल्ब है इसमें मतलब पोल पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब प्लस माइनस पे डिपेंड नहीं करता है हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बार क्या कर रहे हैं, प्लस को यहाँ पे दे रहे हैं और एक बार माइनस को यहाँ पे दे रहे हैं। फिर दूसरा केस में क्या कर रहे हैं, एक बार माइनस को इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको इधर दे रहे हैं, उसको इधर दे रहे हैं। तो ये जो अल्टरनेट करेंट है इसी टाइप से अपना जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उसको अल्टर करता है, मतलब चेंज करता है, मतलब इसका जो हम लोग को फ्रीक्वेंसी बताया जाता है जो कि सप्लाई मिलता है हम लोग को घर में वो होता है 50 हर्ज का। 50 हर्ज कहने का मतलब 50 बार वो अल्टर करता है, और अगर इसको अगर हम लोग ग्राफिकल समझें तो इस टाइप से समझ लेते हैं कि ये टाइम इधर बढ़ रहा है, टाइम मान लेते हैं यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम है, तो ये क्या हो, और इधर मान लेते हैं इधर 220 वोल्ट प्लस में है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट और इधर माइनस में 220 वोल्ट, तो इस टाइप से ये अल्टर करता है। अगर 1 सेकेंड का इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो इसमें 50 बार ये ऊपर नीचे जाएगा, तो इसे यही होता है अल्टरनेट करंट। और डायरेक्ट करंट का अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट करंट डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, डीसी फॉर डायरेक्ट करंट। अब डायरेक्ट करंट क्या होता है, जैसे कि हम लोग बैटरी से अगर कोई भी बैटरी जो हम लोग का आउटपुट देता है वो डायरेक्ट देता है, मतलब अगर 12 वोल्ट प्लस में 12 वोल्ट अगर दे रहा है सप्लाई, तो मतलब वो हमेशा मतलब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। जैसे कि अगर इसका ग्राफ अगर हम लोग बनाए प्लस में, अगर मान लेते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट है और ये 1 सेकेंड इसमें टाइम ले लिए, ठीक है, 1 सेकेंड तक वो लगातार 12 ही वोल्ट मतलब एक ही डायरेक्शन में देगा, ये डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो यही एक रीज़न है कि जो
अल्टरनेट करंट है। अल्टरनेट करंट क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन को अल्टर कर रहा है। उसी के कारण हम लोग को झनझनाहट टाइप का फील होता है जब भी हम लोग को इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का जब झटका लगता है। तो इसीलिए बोला जाता है डायरेक्ट करंट ज़्यादा डेंजरस है, डायरेक्ट करंट को मोर डेंजरस बोला जाता है। तो आप लोग फिजिक्स वगैरह में पढ़िएगा। दो साइंटिस्ट का कहानी, एक है निकोला टेस्ला और एक थॉमस एडिसन। तो निकोला टेस्ला साहब सर जो थे वो अल्टरनेट करंट को प्रमोट कर रहे थे, और जो थॉमस एल्वा एडिसन थे जिन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया था, वे मतलब डायरेक्ट करंट को प्रमोट करने के लिए एक बार क्या करवाया था कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है ये बताने के लिए, एक बार मतलब एसी करंट में कोई जानवर या फिर कोई बड़ा सा एनिमल को मरवा के मतलब मरा हुआ दिखाए थे, और लोगों में ये भ्रम फैलाने का शुरू किए थे कि एसी करंट ज़्यादा खतरनाक होता है। लेकिन हम लोग को क्या चीज़ मतलब पता है, मतलब जानना है कि डायरेक्ट करंट ज़्यादा डेंजरस होता है। तो डायरेक्ट और अल्टरनेट करंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमको लगता है क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग का क्वेश्चन आता है कि व्हाई डज सीलिंग फैन हम, मतलब हमिंग साउंड सीलिंग फैन से क्यों आता है, हमिंग साउंड मतलब क्यों आता है सीलिंग फैन से। तो इसके लिए हम लोग को जानना होगा वेव को जानना होगा। मतलब जो भी हम लोग इन्वर्टर अपने घर में यूज करते हैं वो तीन टाइप का यूज करते हैं। एक है, सबसे पहले हम लोग जो इनिशियल स्टेज में हम लोग यूज करते थे वो था स्क्वायर वेव इन्वर्टर, जो क्या करता था, देखिए ये जो तीनों इन्वर्टर है, तीनों इन्वर्टर का जो फ्रीक्वेंसी है तीनों इन्वर्टर 50 से 60 हर्ज ही देता था, और जो वोल्टेज है वोल्टेज भी 220 वोल्ट ही देता था। लेकिन इसमें अंतर कहाँ पे आया, इस चीज़ को समझना है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी, जैसे कि स्क्वायर वेव में क्या होता था, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ज का जो मिलता था वो हम लोग को अगर 50 बार इधर अप डाउन अपना डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो उस केस में वो अचानक मतलब ऊपर चल जाता था और फिर अचानक नीचे, मतलब ये मतलब धीरे धीरे इंक्रीज नहीं होता था। तो इसके कारण क्या होता था, इसी के कारण जो हमिंग साउंड है जो पंखा में, इसी के कारण आता था। तो उसी को ठीक करने के लिए उसके बाद मॉडिफाइड साइन वेव का कॉन्सेप्ट आया। मॉडिफाइड साइन वेव को हम लोग साइन वेव बोलते हैं, और इसको अभी जो यूज करते हैं इसको हम लोग प्योर साइन वेव भी बोलते हैं, प्योर साइन वेव। तो इसको आप लोग ग्राफ से समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले अगर इसका फ्रीक्वेंसी अगर अल्टरनेट करंट का 50 हर्ज का है, मतलब 50 बार ये अपना डायरेक्शन को चेंज करेगा, यही कहने का मतलब है। तो डायरेक्शन को चेंज करने के बिहाव में क्या करता था, जैसे कि 50 हर्ज में अगर मान लेते हैं हम लोग दो बार का, एक बार का ऑसिलेशन को अगर हम लोग देख रहे हैं, तो पहला बार में क्या हुआ, अचानक मतलब 220 वोल्ट का सप्लाई दे दिया, उसके बाद फिर अचानक क्या हुआ माइनस में 220 वोल्ट में पहुंच गया, फिर तुरंत, मतलब ये धीरे धीरे घटता बढ़ता नहीं था। और इसी के कारण इससे क्या होने लगा कि हम लोग पहले तो इनिशियल स्टेज में जब इन्वर्टर आया था तो हम लोग CFL सबका यूज करते थे, लेकिन जब LED बल्ब हम लोग जलाना शुरू करने लगे तो उससे होने लगा कि LED बल्ब हम लोग का जल्दी फ्यूज होने लगा। तो इसीलिए आदमी लोग इसको यूज करना अब धीरे धीरे बंद कर रहा है। इसके बाद मॉडिफाइड साइन वेव का कॉन्सेप्ट आया, इसमें क्या हो रहा था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इसमें भी कुछ हद तक डायरेक्ट करंट के जैसा मतलब इसमें सप्लाई मिलता था। तो इसके बाद फिर अब जो हम लोग अभी जो इन्वर्टर यूज करते हैं वो प्योर साइन वेव का ही यूज करते हैं, और यही हम लोग को यूज भी करना चाहिए क्योंकि ये बेस्ट, मतलब जो हम लोग को घर का सारा प्लियांस को चलाने के लिए जो करंट का रिक्वायरमेंट है वो मतलब बेस्ट वेव फॉर्म में देता है, और इसी का हम लोग को यूज करना चाहिए। तो देखिए अगर इसमें अगर हम लोग इन्वर्टर का अगर वर्किंग देखें तो इन्वर्टर को अगर हम लोग को, इन्वर्टर में क्या होता है, बेसिकली एक बैटरी होता है जो कि 12 वोल्ट का सप्लाई देता है, ठीक है, 12 वोल्ट का डायरेक्ट करंट का सप्लाई देता है बैटरी। देखिए बैटरी अगर 12 वोल्ट DC करंट दे रहा है, अगर हम लोग को इसको
घर में यूज करना है। घर में यूज करने के लिए क्या करना होगा, हमको जरूरी होगा 220 वोल्ट एसी करंट का जरूरत होगा, 220 वोल्ट एसी करंट का। तो अब देखिए 12 वोल्ट को अब 220 वोल्ट में किया कैसे जाए, यही प्रिंसिपल का यूज किया जाता है इन्वर्टर को बनाने में। तो सबसे पहले अगर हम लोग को वोल्टेज को बढ़ाना है तो हम लोग को यूज करना होगा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, इसमें दो कॉइल होता है, प्राइमरी कॉइल और दूसरा होता है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में अगर हम लोग को जैसे कि ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं तो दो टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, एक स्टेप अप एक स्टेप डाउन। स्टेप अप के केस में क्या होता है कि जो प्राइमरी कॉइल का टर्न है, नंबर ऑफ टर्न, इसको कम रखा जाता है। अगर इसको N1 मान रहे इधर वाला तो N1 को कम रखा जाता है, N1 को कम रखा जाता है N2 से। तो इससे क्या होता है, इसमें जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये जो काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल में काम करता है, तो जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट होता है वो सेकेंडरी कॉइल में ट्रांसफर हो जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स इसका ज़्यादा रखा जाता है। तो इससे होता ही ये है कि वोल्टेज बढ़ जाता है, वोल्टेज बढ़ता है और करेंट इसमें कम हो जाता है, और इसमें करेंट हम लोग को ज़्यादा देना होता है और वोल्टेज कम। तो इसमें हम आपको पावर करंट और वोल्टेज का रिलेशन थोड़ा देर बाद बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि हम लोग को अगर बैटरी है, हम लोग के पास बैटरी 12 वोल्ट वो हम लोग को डीसी सप्लाई दे रहा है। अब इसको हमको घर में यूज करने के लिए 220 वोल्ट एसी चाहिए, तो ट्रांसफार्मर जो है वो डायरेक्ट करंट में नहीं काम करता है। तो इसके लिए हम लोग को सबसे पहले, अगर हम लोग को 220 वोल्ट एसी चाहिए, सबसे पहले हम लोग को 12 वोल्ट डीसी को 12 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना होगा, और उसका फ्रीक्वेंसी भी रखना होगा 50 से 60 हर्ज के बीच में रखना होगा इसका फ्रीक्वेंसी, क्योंकि हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी पे हम लोग का जो सारा घर का अप्लायंस है वो अच्छे से चलता है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ट्रांजिस्टर का। ट्रांजिस्टर आप लोग में से बहुत कोई देखे होंगे, इस टाइप से मतलब रहता है जिसमें तीन वायर निकला हुआ रहता है, NPN या फिर PNP, NPN या फिर PNP टाइप का। ये एक सेमीकंडक्टर है, वो क्या करता है, वो मतलब ये जो 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा ना उसका डायरेक्शन को लगातार मतलब चेंज करता है, 50 से 60 बार चेंज करता है। तो अब हम लोग का अगर मान लेते हैं 12 वोल्ट डायरेक्ट करंट एसी करंट में अगर बदल गया, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। तो उसके बाद उसमें यूज आता है ट्रांसफार्मर का, जो कि क्या करता है, जो 12 वोल्ट एसी जो करंट हम लोग को मिला उसको 220 वोल्ट में, और वही, और एक बात आप लोग जान लीजिए कि जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कभी भी ट्रांसफार्मर के यूज में बदलता नहीं है, बस इसमें करंट और वोल्टेज में चेंज आता है। इनिशियली में अगर हम लोग वोल्टेज को अगर बूस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग को हाई करंट देना पड़ता है और लो वोल्टेज यहाँ पे, और इसमें हम लोग क्या मिलता है, हाई वोल्टेज मिलता है लेकिन करंट लो मिलता है। अब इसका कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा अच्छा से समझेंगे। तो इसमें देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ हाई वोल्टेज लो करंट एंड लो करंट हाई वोल्टेज। तो आप लोग अपने घर के आसपास में जैसे कि जो ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ होता है उसमें देखते होंगे, तो जो उसका फ्यूज यूज होता है उसमें, वो एकदम मतलब हम लोग जो घर में यूज करते हैं कॉपर वायर, उसका बस एक पतला सा मतलब तार को दिया जाता है उसमें उसका फ्यूज में। तो यही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि पावर क्या होता है, ठीक है, पावर। तो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट। जैसे कि हम लोग वाट में नहीं है, हम लोग बोलते हैं कि 9 वाट का हम लोग बल्ब यूज कर रहे हैं, 10 वाट का। पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इंटू करेंट। तो जैसे कि आप लोग घर में अगर मोटर चलाते होंगे, ठीक है, तो मोटर में जो 1 HP 1.5 HP का मोटर चलाते होंगे तो उसमें 220 वोल्ट यूज करते होंगे, और मान लेते हैं कि 5 एम्पियर का उसमें करंट यूज हो रहा है, 5 एम्पियर, ठीक। तो इसका जो पावर हो गया 220 × 5, 220 × 5 करेंगे तो 1100 वाट आ जाएगा, ठीक है, पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट। तो 1100 वाट आप करंट यूज कर रहे हैं। तो इसी टाइप से आप समझिए कि जो इसमें जो अगर हम लोग, इसमें क्या होता है, हाई वोल्टेज होता है,
जो भी हम लोग नहीं बोलते 11,000 वाला लाइट आ रहा है, ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 11,000 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 11,000 वोल्ट आ रहा है, और हमको अगर मान लेते हैं 11,000 वाट यूज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एम्पियर का ही मात्र करंट यूज करेंगे। अगर एक एम्पियर का करंट यूज कर रहे हैं तो हम लोग उससे अपना लोड कितना चला सकते हैं, 11,000 वाट का चला सकते हैं। तो आप समझिए कि हम लोग एक ट्रांसफार्मर में कितना अधिक से अधिक लोड देते हैं, 60 किलोवाट इतना आसपास का। तो इसीलिए यही इसका मेन रीजन है कि हम लोग बहुत पतला वायर यूज करते हैं, ठीक है। और एक बात बताना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग इन्वर्टर अगर यूज कर रहे हैं अपने घर में, उसमें अगर मान लेते हैं हमको 500 वाट का कोई भी लोड चलाना है, ठीक है, तो हम लोग अगर करंट निकाले आउटपुट में, अगर हम लोग 220 वोल्ट आउटपुट हम लोग को क्या देता है, मतलब जो इन्वर्टर होता है आउटपुट में कितना 220 वोल्ट देता है, ठीक है। और अगर हम लोग को करंट अगर इस केस में निकालना है, ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वोल्ट इंटू करेंट, आपको अभी बताया था। तो हम लोग अगर करंट निकाल रहे हैं तो करंट I इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी बाई वी होगा। पी बाई वी मतलब पावर कितना है, 500 वाट है, मतलब 500 डिवाइडेड बाई वोल्टेज कितना है, 220, मतलब 2 समथिंग एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, 2.1 आसपास एम्पियर हम लोग करंट इसमें हम लोग को लगेगा। इसमें तो क्या 2 एम्पियर का करंट लग रहा है, तो 2 एम्पियर के लाइक में हम लोग 1 mm का वायर आसानी से यूज कर सकते हैं 500 वाट के लोड के लिए। लेकिन बैटरी में जो होता है, बैटरी में अगर हम लोग को बैटरी से भी, तो हम लोग आखिर जो ये जो 500 वाट का पावर है वो हम लोग बैटरी से ही ना निकाल रहे हैं, तो बैटरी में क्या होता है, वोल्टेज कम होता है। तो देखिए बैटरी में क्या होता है, बैटरी में हम लोग को 12 ही वोल्ट है, ठीक है, और हमको कितना पावर चाहिए, इस बैटरी से हम लोग को चाहिए, बैटरी में 12 ही वोल्ट है और हम लोग को लोड चाहिए, पावर चाहिए 500 वाट का। तो इस केस में अगर करंट निकालेंगे, आई फॉर करंट होता है, ठीक है, करंट अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 500 बाई 12, अगर इसको हम लोग सोल्व करें, 12 फोर जाए कितना 48 और 20, मतलब 41 point something एम्पियर आएगा, ठीक है। मतलब आप सोचिए कि 40-41 एम्पियर जैसा हाई करेंट, मतलब इतना ज़्यादा करेंट जाता है किसमें, बैटरी में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बैटरी का वायर को मोटा रखते हैं। तो यही था इसका कॉन्सेप्ट। तो इसलिए आप लोग देखिए कि इसमें जो बैटरी यूज हो रहा है इसमें क्या है, मोटा वायर यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए ये वीडियो कुछ बहुत आप लोग को हेल्प किया होगा समझने में, और कुछ नया कुछ आप लोग जरूर सीखे होंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।